जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:38 हो गई है, 3:38 PM, 8 मिनट हुआ है मार्केट को बंद हुए। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। तो आज अच्छी खासी 150 पॉइंट की गिरावट से मार्केट बंद हुआ है, 150 पॉइंट्स माइनस है, 807 पे क्लोज किया, 800 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस बचाया है। अब अगर हम स्क्रीन रीडिंग करें तो निफ्टी क्लियर कट कल एक डाउन साइड होने का पूरा चांस है, बैंक निफ्टी भी क्लियर कट डाउन होने का चांस है कल, यानी कि कल डाउन, कल खुलेगा डाउन और हो सकता है 100 पॉइंट निफ्टी गिरे एटलीस्ट और बैंक निफ्टी एटलीस्ट 300 पॉइंट गिरे। ये कल की रचना लग रही है। अब देखते हैं मैंने आज क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। ये मेरे आज के कॉल्स है, यहाँ तक तो आपको दिखा दिया था। फिर ये कोलपाल 1500 का पुट 7 रुपये में दिया, 3.5 का स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट है, 15 रुपये का टारगेट। कोलपाल 8:20 हो गया, कोलपाल फ्यूचर भी शॉर्ट बोला हूँ 1590 पे, फिर 1615 पे भी करना है एड, 1655 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी है और 1510 का टारगेट इन 9 ट्रेडिंग डेज। टुमोरो 17700 ऑन स्क्रीन, 3:09 पर लिख रहा हूँ, कल 17700 ऑन स्क्रीन विल बी सीन इन निफ्टी स्पॉट, स्पॉट का लेवल 17700 कल दिख जाएगा, स्पॉट यानी कैश मार्केट। एसटीबीटी मारुति फ्यूचर्स 7775, 3:11 स्टॉप लॉस 7850, कल टारगेट 7650 या उससे नीचे। तो ये आज के हैं, मारुति देख लेते हैं 7775, तो यहाँ से 13 रुपये तो नीचे आ ही गया। चलिए इसको बंद करते हैं। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में एक ये है कि PCR 0.66 आ चुका है वीकली वाला, तो है जगह, कल एक्सपायरी भी है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे 800 पे अभी भी पुट राइटर खड़ा है, इसीलिए 800 को डिफेंड कर लिया आज, लेकिन कल नहीं कर पाएगा, कल इनके कपड़े उतार देंगे। कॉल राइटर देखिए कितनी दादागिरी से खड़ा है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो पुट राइटर की लाइन में कोई दम ही नहीं है, पुट राइटर की लाइन यहाँ तक आती है, कॉल राइटर की डंडियाँ देखो आप, पुट राइटर एक्टिव नहीं है। इसका मतलब पॉसिबल है कि कल एक बड़ी गिरावट वाला भी दिन हो सकता है और कल ही क्या पता 17500 दिखा दे, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन 17700 तो कल 90% है, कल देखने मिलेगा 90%। ठीक है, अब अगर मैं मनी कंट्रोल का देखूं, जो 3 सीरीज को एक साथ लेता है 0.87, ये भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है, यानी कि मार्केट में कल अगर अच्छी गिरावट मिलती है तो एक बार अपने सारे शॉर्ट कल काट लेने चाहिए, 17600 या 17700 या उससे नीचे मिले तो कल एक बार अपने सारे शॉर्ट एक बार काट लीजिएगा, क्योंकि PCR डाउन आ रहा है और नेक्स्ट वीक का PCR भी यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन में ही है, 0.83 है, जगह है, लेकिन हो सकता है फ्राइडे को क्रेडिट पॉलिसी में भी गिरे, लेकिन कल अपना प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिएगा, 17700 या उससे नीचे दिखे तो, है ना। चार्ट देखते हैं,
गैप को फिलअप नहीं किया, लेकिन अगर आप देखो तो ये ब्रेकआउट लेवल को इसने रीटेस्ट किया है और इसके ऊपर क्लोज किया, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है भाई। ये जो वी शेप का ब्रेकआउट था इसको टेस्ट भी कर लिया 794 को, रीटेस्ट किया और ऊपर क्लोज किया। तो अगर आज 794 के नीचे क्लोजिंग आती तो हम टेक्निकली देखते तो बियरिश कंफर्म था। तो ये कहीं ना कहीं इस वी शेप के ब्रेकआउट को ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, लेकिन वीकनेस तो है कल। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका कि रीटेस्ट करके ऊपर ही क्लोज किया है 804 पे। बाकी है तो वीक, क्योंकि स्क्रीन रीडिंग हमको क्लियर कट दिखा रही है कि कल 750 तो फ्यूचर में आ जाएगा और 700 तो स्पॉट में आ सकता है। आज का दिन तो आपको दिख गया खराब गया, मतलब मार्केट नीचे गया, जो मैंने बोला था वैसा ही हुआ। अब बैंक निफ्टी देख लेते हम लोग। कल 37,000 छू सकता है बैंक निफ्टी। हालांकि आज इतना बैंकिंग गिरा लेकिन पीएसयू बैंक में दम था। एसबीआई को देखो आप, स्ट्रांग था आज। पीएसयू बैंक स्ट्रांग थे लेकिन प्राइवेट बैंक्स गिर रहे थे आज। तो मैं कल के लिए बियरिश व्यू ही दे रहा हूँ, नॉट बुलिश। और कल के लिए वही सेम है, 930 के ऊपर जाए तो निकल जाइए शॉर्ट से। बाकी नीचे कल 700 का लेवल स्पॉट में दिखना चाहिए, 37,100 का लेवल बैंक निफ्टी में दिखना चाहिए कल स्पॉट में। ये दोनों मेरे कल के टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी का, अगर निफ्टी 930 के ऊपर ट्रेड करे तो निकल जाइए। और बैंक निफ्टी में 38,000 के ऊपर ट्रेड करे निकल जाइए, जो कि मुझे कल मुश्किल लग रहा है। अदानी में साला लगता है कोई न्यूज़ है, वरना तो अदानी तो पक्का यहाँ पे गिरने का कैंडिडेट दिख रहा है। आज एक चीज़ अच्छी हुई है कि पहली बार इसने लोअर हाई बनाया आज। बहुत दिनों से ये क्या होता था, हायर हाई। देखिए आप, ये कंटिन्यू यहाँ से हायर हाई हायर लो, लेकिन कंटिन्यू पिछले 10-12 दिन से बना रहा था। आज पहली बार लोअर हाई एंड हायर लो जरूर बनाया, लेकिन पहली बार लोअर हाई बनाया। तो हो सकता है कल एक सीरियसली गिरावट दे 100-150 पॉइंट की कम से कम। तो स्टॉक टू बी वॉच टुमारो अदानी। मगर किसी भी कारण से अगर यस्टरडे का हाई तोड़ता तो फिर बहुत खतरनाक हो जाएगा। मगर मेरा फॉर्मूला बोलता है इसको एक बार तो 2000 और 1950 भी आना चाहिए। आरएसआई भी काफ़ी ओवरबॉट है, 80 के ऊपर है, तो मैं तो शॉर्ट ही करना चाहूँगा इसको। न्यूज़ है इसीलिए गड़बड़ है, कोई मर्जर की न्यूज़ है दोनों में, पोर्ट और इसमें हो सकता है। तो ओवरऑल टुमारो अगेन आई एम बियरिश। और कल मैं 17,700 का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, 17,700 स्पॉट यानी कि कैश मार्केट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।